अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाहर किचन। मैं आज बना रही हूँ मूंगफली के लड्डू, यानी कि पीनट लड्डू। इसके लिए 500 ग्राम पीनट मूंगफली, 750 ग्राम जैगरी यानी कि गुड़, 1 कप पानी, 1 चुटकी नटमेग पाउडर यानी कि जायफल पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर यानी कि जिंजर, ड्राई जिंजर पाउडर, 100 ग्राम फूले चने यानी कि फुटाने, 150 ग्राम सफ़ेद तिल, सेसमी सीड्स, 1 कप ग्रेटेड कोकोनट। सबसे पहले गैस पे पैन रखकर मूंगफली को थोड़े थोड़े करके भून लेंगे। अब ये अच्छे से भून चुके हैं, इसको निकालेंगे। ये देखिए, मैंने सारे पीनट को भून लिया है और इसको ठंडा करके इसका छिलका निकाल लेंगे और इसी पैन में तिल को भी भून लेंगे। और ये अच्छे से भून चुकी है, इसको भी निकाल लेंगे। और इसमें ही फूले चने को भी भून लेंगे। और ये भी अच्छे से भून चुके हैं, अब गैस बंद करके इसको भी निकालेंगे। देखिए, मैंने इसको ठंडा करके इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसको एक मिक्सर जार में डालकर दरदरा ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको इतना दरदरा ब्लेंड कर लिया है, इसको बॉल में निकालेंगे। इसी जार में फूले चने को भी डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए, मैंने इसको भी पाउडर बना लिया है, इसको भी इसमें मिला लेंगे। अब इसी में सफ़ेद तिल को भी मिला लेंगे और ग्रेटेड कोकोनट, ड्राई जिंजर पाउडर और जायफल पाउडर, इसको भी मिला लेंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है, थोड़ी देर इसको साइड में रखेंगे और एक पैन में गुड़ डालेंगे और 1 कप पानी डालकर इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसको छान लेंगे दूसरा पैन रखकर। इसमें एक छानी रखेंगे और इसको सिरप को अच्छे से छान लेंगे। और इसको 2 तार तक आने तक इसका सिरप बना लेंगे। देखिए, अब ये 2 तार आने लगे हैं, देखिए 2 तार नजर आ रहे हैं। अब गैस बंद कर देंगे और मिक्सचर को एक परात में डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सिरप डालकर इसके लड्डू बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
और हाथ को थोड़ा गीला करके इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए इसमें और थोड़ा कीमा मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसके भी लड्डू बना लेंगे। इसी तरीके से बाकी सब लड्डू बना लेंगे। देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे मूंगफली के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।